प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज एक नया अध्याय माइकोप्लाज्मा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है और सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। माइकोप्लाज्मा, जैसा कि हम जानते हैं, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट्स। दीज ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई पाश्चर इन 18th century व्हेन ही स्टडीड द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। 1713 के अंदर जर्मनी और स्विट्जरलैंड के अंदर पशुओं के अंदर एक बीमारी हुई थी जिसे बोवाइन प्लूरोनिमोनिया के नाम से जाना गया। इसमें पशुओं के अंदर मुंह में जाग आते थे और जोर जोर से सांस लेते थे, तो ऐसा लगता था कि शायद उनको निमोनिया हो गया है। लेकिन जब उन ऑर्गेनिज़म्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई तो वो जीवाणु ना होकर के उनसे भी छोटे आकार के ऑर्गेनिज़म्स थे, और जिसे बाद में बोवाइन प्लूरोनिमोनिया के नाम से जाना गया। और ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा इसका कॉजल ऑर्गेनिज़म आइडेंटिफाई किया गया। तो माइकोप्लाज्मा की जो हिस्ट्री है वो 1713 के अंदर 18वीं सदी के अंदर ये पशुओं के अंदर इस बीमारी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। बाद में इसको जो है दूसरे वैज्ञानिकों ने इसको आइडेंटिफाई किया। हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा, ही बिलीव्ड दैट डिजीज वाज कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स बट कुड नाइदर ऑब्जर्व इट और नॉर कुड कल्चर इट। बीमारी को जब पहचानने की कोशिश की गई तो ऐसे माइक्रोब्स थे जिनको न तो देखा जा सकता था और न ही उनको माध्यम के ऊपर संवर्धित किया जा सकता था, कल्चर किया जा सकता था। तो ये बाद में जो ऑर्गेनिजम्स कल्चर नहीं किए जा सकते थे, इनको प्लूरोनिमोनिया के कॉजल एजेंट के रूप में जाना गया और इन्हें PPLO नाम दिया गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना गया। और इन कॉजल एजेंट को सबसे पहले आइसोलेट करने का काम नोकार्ड एंड रॉक्स ने 1898 के अंदर किया, और इन्होंने प्लूरोनिमोनिया को जो कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएट मीडिया जिसके ऊपर इनको ग्रो किया जा सकता है, ऐसा खोज नोकार्ड एंड रॉक्स ने की और बताया कि जो ये एक फ्राइड एग टाइप की कॉलोनी बनाते हैं और माइकोप्लाज्मा का नाम जो है वहाँ पर इस PPLO को बदल करके माइकोप्लाज्मा कर दिया गया। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दीज ऑर्गेनिज्म शोड डिफरेंट फॉर्म्स वैन ग्रोन ऑन द कल्चर मीडिया। दीज ऑर्गेनिज्म्स वर नेम्ड एज एस्ट्रोकोकस बाई बोरेल एट ऑल इन 1910। द जेनेटिक नेम माइकोप्लाज्मा वॉज गिवन बाई नोवेक इन 1929 ड्यू टू देयर फंजाई लाइक रिजेबलेंस। 1929 के अंदर नोक ने उन्हें माइकोप्लाज्मा नाम दिया, और बेसिकली ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न्यूक्लियस जिनके अंदर होता नहीं है, और इन्हें हम प्रोकैरियोट के नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये नाम जो है माइकोप्लाज्मा, जो कि नोक ने 1929 के अंदर इन्हें प्रदान किया। हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा, द बर्जेज मैनुअल डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी 7th edition 1957 ये कहता है कि द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड टू ए न्यू ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटल्स। बर्जेज मैनुअल के अंदर जहाँ पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता है वहाँ पर एक माइकोप्लाज्मेटल ऑर्डर के रूप में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ पर इन्हें इस ऑर्डर के अंदर रखा गया। एडवर्ड एटॉल ने 1967 के अंदर दीज ऑर्गेनिज्म को नई क्लास में, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसके अंदर इन्हें क्लासीफाई किया गया। तो माइकोप्लाज्मेटल ऑर्डर हो गया और इनकी क्लास जो है उसे मॉलिक्यूल नाम दिया गया। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, मॉलिस प्लस क्यूटिस। मॉलिस मतलब सॉफ्ट एंड क्यूटिस मतलब स्किन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है और वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जिन्हें हम माइकोप्लाज्मा को माइक्रोबायोलॉजी के जोकर भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं, और इसी कारण से इन्हें मॉलिक्यूल नामक क्लास में रखा गया। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इन 1967 जैपनीज वर्कर्स, जिसमें डुई एट ऑल, ऑब्जर्व देयर दी येलो डिजीज ऑफ सम प्लांट्स इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स।
द ऑब्जर्व माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज इन द फ्लोएम ऑफ प्लांट इन्फेक्टेड विद सेवरल लीफ हॉपर्स ट्रांसमिटेड डिजीज इसी एट ऑल 1967 ऑब्जर्व दैट द माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज एंड सिम्टम्स डिसअपीयर टेम्परेली व्हेन द प्लांट्स आर ट्रीटेड विद टेट्रासाइक्लिन। जापानीज वर्कर ने पौधों के अंदर भी कुछ ऐसी बीमारियों का जो है पता लगाया जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा के जैसे ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, और इसमें मुख्य रूप से येलोइंग और लिटिल लीफ ऐसे रोग थे जो कि इसके द्वारा होना पाया गया। और ये प्लांट्स के फ्लोएम के अंदर ये माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज पाई जाती है जो कि जो फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनके द्वारा ये एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करते हैं। और इनके सिम्टम्स जो है वो टेम्परेली डिसअपीयर हो सकते हैं अगर उसको टेट्रासाइक्लिन के द्वारा छिड़काव किया जा सकता है। तो टेट्रासाइक्लिन का छिड़काव करने पर माइकोप्लाज्मा के जो सिम्टम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो लुप्त हो जाते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का असर खत्म होते ही वो सिम्टम्स वापस नजर आने लग जाते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्माज आर द पैरासिटिक एज वेल एज सेप्रोफिटिक। मोर देन 200 माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद सीवेज प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स ह्यूमस हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड अदर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट द हैव बीन फाउंड इन फ्लोएम टिश्यूज ऑफ डिजीज प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक भी होते हैं और साथ साथ में कई सारे ऐसे सेप्रोफिटिक इनके जो है रूप भी पाए जाते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं। एटलीस्ट इवन सीरोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट माइकोप्लाज्मा हैव बीन फाउंड इन मैन। माइकोप्लाज्मा ओरेल, माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम आर फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी हेल्दी एडल्ट। माइकोप्लाज्मा होमिनीज इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स। डिजीज लाइक प्राइमरी एटिपिकल नमोनिया PAP इन द माउथ फेरिंग्स एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड टॉन्सिलाइटिस इन ह्यूमन आर ऑल्सो कोज बाई माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस रोगों का कारक होते हैं जिसमें मुख्य रूप से मैन और ह्यूमन बींग के अंदर वो कई प्रकार की बीमारियां जो है वो करता है, जिसमें एटिपिकल निमोनिया है और टॉन्सिलाइटिस कुछ ऐसी जो डिजीज है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न की जाती है। जनरल करैक्टर हम देखें माइकोप्लाज्मा के, तो माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय छोटा नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कल्चर के अंदर तले हुए अंडे की जैसी कॉलोनी का निर्माण करता है। दे आर प्लियोमॉर्फिक, उनकी शेप चेंज होती रहती है और कल्चर मीडिया के अनुसार उनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। ये रोड लाइक हो सकते हैं, रिंग लाइक हो सकते हैं, ग्लोबॉइड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, और इनकी जो आकार है वो 100 से 300 नैनोमीटर और लेंथ जो है वो 3 नैनोमीटर से 150 नैनोमीटर तक की होती है। और माइकोप्लाज्मा प्रीडोमिनेटली अज्यूम स्फेरिकल शेप 300 टू 800 नैनोमीटर इन डायमीटर। इनको बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा आसानी से छाना जा सकता है, अल्ट्रा फिल्टरेबल होते हैं, इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। द डू नॉट पजेस रिजिड सेल वॉल, इनके अंदर कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल्स आर डिलिमिटेड बाय ट्रिपल लेयर्ड लाइपोप्रोटीनेसिस मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है और 3 परतें होती है, प्रत्येक यूनिट मेम्ब्रेन जो वो 10 नैनोमीटर थिक होती है। विद इन द साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स आर फाउंड स्कैटर्ड इन पेरिफेरल जोन 14 नैनोमीटर इन डायमीटर, रिजेंबल्स विद द बैक्टीरिया एंड दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर जो है वो DNA के रूप में पाया जाता है। राइबोसोम सितरेस प्रकार का होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फिब्रिलर DNA प्रेजेंट होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कंपैरिजन में धीरे ग्रो करता है, ये अपने न्यूट्रिशन के अंदर स्टीरोल की आवश्यकता को महसूस करता है। दे आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, सिपेलोरोडिन, वैंकोमाइसिन विच एक्शंस ऑन द सेल वॉल। ये ऐसे एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होता है जो कि असंवेदनशील होता है, या हम कह सकते हैं जिसको रेजिस्टेंट होता है, जो कि सेल वॉल को तोड़ करके काम करने वाले होते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल होती नहीं है, तो ये सारे एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा के ऊपर काम नहीं करते हैं।
मोस्टली माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर जो है ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, और टेट्रासाइक्लिन का ट्रीटमेंट लगाने पर माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल गायब हो जाती है, और वो टेम्परेरी सेल वॉल मीन्स माइकोप्लाज्मा टेम्परेरी रूप से गायब हो जाता है, और कुछ समय के बाद में जब टेट्रासाइक्लिन का असर खत्म हो जाता है तो माइकोप्लाज्मा पुनः जिंदा हो जाता है। दे आर ऑल्सो किल्ड बाई टेम्परेचर, दैट इज 40 to 55 degrees सेंटीग्रेड इन 15 minutes। देन डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ स्पोर्स लाइक अदर प्रोकैरियोट्स, दे डिवाइड बाई बाइनरी फिशन। अगर हम इसका कोशिका संरचना देखें तो माइकोप्लाज्मा जो है वो 300 से 800 नैनोमीटर की आकार का होता है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति के बजाय इसके ऊपर 3 परतीय लाइपोप्रोटीन की यूनिट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है, जो कि प्रत्येक मेम्ब्रेन 10 नैनोमीटर मोटी होती है, और इसके अंदर की ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम, आरएनए, डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम 14 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं और 70 प्रकार के होते हैं, जो कि 50S और 30S यूनिट के मिलन के बने होते हैं। डीएनए इसका डबल स्टैंडर्ड होता है, और बैक्टीरियल डीएनए से थोड़ा सा ये अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्वेनिन और साइटोसिन का कंटेंट जो है वो कम होता है। डीएनए जो है वो लगभग 4% होता है, और आरएनए इसके अंदर 8% होता है। एंड इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर ग्वेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन कंटेंट इज 23 to 46% होता है, और कुछ जातियों के अंदर जैसे माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम के अंदर पोलर बॉडीज का निर्माण पाया जाता है, और ये ऑल्सो इनको जो है ब्लेब के नाम से जाना जाता है, और कई सारी एंजाइमी एक्टिविटीज़ के लिए इसके अंदर जो है कई सारे विभिन्न प्रकार के मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। ये उसका सेल स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर इसके बाहर की ओर देख रहे हैं हम, ये सारी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि ट्रिपल लेयर्ड होती है बाहर की ओर, और अंदर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ जो है इसमें डीएनए पड़ा रहता है, जो आपको डबल हेलिकल डीएनए पाया जा रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, और साथ में इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे प्रोटीन्स सोल्युबल फॉर्म में होते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा का एक कोकोइड स्ट्रक्चर है, जो कि 300 से 800 नैनोमीटर मोटा होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो माइकोप्लाज्मा को जो है 10th ऑर्डर के रूप में माइकोप्लाज्मेटल्स गण के नाम से साइजोमाइसिटिस कक्षा के अंदर इसको पहले वर्गीकृत किया गया था, बाद में इसको माइकोप्लाज्मेटल ऑर्डर को साइजोमाइसिटिस जो कि बैक्टीरिया का एक वर्ग है उसे हटा करके इसको एक नए वर्ग में रखा गया, जिसको हम मोलिक्यूल्स कहते हैं, और मोलिक्यूल्स के अंदर माइकोप्लाज्मेटल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया, जिसके अंदर 4 इसकी कक्षाएँ बनाई गई, 4 फैमिलीज बनाई गई सॉरी, जिसमें माइकोप्लाज्मेटेसी जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा आता है, थर्मोप्लाज्मेटेसी जिसके अंदर थर्मोप्लाज्मा आता है, एकोलीप्लाज्मेटेसी जिसमें एकोलीप्लाज्मा आता है, स्पायरोप्लाज्मेटेसी जिसके अंदर स्पायरोप्लाज्मा आता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो जनन का तरीका है, मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा में 3 तरीके से जनन होता है, बाइनरी फिशन, बडिंग एंड एलिमेंट्री बॉडी फॉर्मेशन। द्विविखंडन या बाइनरी फिशन, जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा की कोशिका के बीचों बीच एक दरार बनती है, और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो 2 भागों में अलग हो जाता है, और दोनों कोशिकाएं अलग अलग होकर के नए माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर एक प्रोसेस और देखा गया, जिसे हम बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं जिसको हम। ऐसा कुछ प्लांट माइकोप्लाज्मा के अंदर देखा गया है, जिसके अंदर माइकोप्लाज्मल सेल के ऊपर की ओर एक छोटी सी बड निकल आती है, ये बड आकार में बड़ी होती जाती है, और पैतृक कोशिका से अलग होकर के नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण कर लेती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर प्राथमिक काय का निर्माण भी होता है, जो कि मोरोविज एंड टोर्टुलेटी के द्वारा इस प्रोसेस को खोजा गया था। इसके अंदर जो पैतृक कोशिका होती है, इसके अंदर छोटी कई सारी प्राथमिक काय बन जाती है, और ये प्राथमिक काय कुछ समय के बाद में कोशिका के बस्ट होने से बाहर निकल आती है, और प्रत्येक प्राथमिक काय जो वो एक नए माइकोप्लाज्मा की कोशिका में बदल जाती है। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर जनन के 3 तरीके देखे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से एलिमेंट्री बॉडी फॉर्मेशन का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। माइकोप्लाज्मा जो कि प्लांट के अंदर फाइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, और फाइटोप्लाज्मा जो है वो पौधे के अंदर कई सारी बीमारियाँ करता है, जिसके अंदर लिटिल लीप ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीप ऑफ कैप्सिकम, लिटिल लीप ऑफ टोमेटो,
लिटिल लीप ऑफ बिनकार रोजिया, सिस्मम फिल्लोडी, क्लोवर फिल्लोडी, विचेज ब्रोमो पोटेटो, सैंडल स्पाइक, साइट्रस ग्रीनिंग, साइट्रस टबॉर्म, तो ये कई सारी जो डिजीज हैं प्लांट्स के अंदर भी वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा की जाती थी। पहले इसको एमएलओज के नाम से जाना था, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता था, बाद में अब इन्हें फाइटोप्लाज्मा का नाम दिया गया है कि पौधों के अंदर जो भी माइकोप्लाज्मल डिजीजेज हैं उन्हें फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होना बताया गया है। तो ये हम माइकोप्लाज्मा के जीवन चक्र के बारे में या उसके उसके स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में इस ई लेक्चर के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की गई है। और इसके जो आपके कोर्स के अंदर जो लिटिल लीप ऑफ ब्रिंजल नाम से जो बीमारी है इसके अलग से एक डिजीज के रूप में हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।